शतरंज की जितनी खेल में चर्चा होती है उससे ज़्यादा राजनीति में उनकी शब्दावली का उपयोग किया जाता है। राजा रानी और ना जाने कितनी बातें जो है शतरंज से जुड़ी हुई हैं जो राजनीति में उपयोग किए जाते हैं। बिसात, ऐसे कई शब्द आएंगे जो आपको सुनने में आएंगे, लेकिन ये हैं खेल से संबंधित। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से लोगों ने शतरंज खेला, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत में हुई थी। तब यह पहला खेल था जो दिमाग के इस्तेमाल से खेला जाता था। किंवदंतियां ये भी बताती हैं कि शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के समय में हुआ था। वैसे तो महाभारत में पांडवों और कौरवों के पुत्रों के बीच चौसर के खेलने की बात भी आती है, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह लिए शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। जब इस खेल का आविष्कार हुआ तब इसे चतुरंग खेल के नाम से जाना जाता था। यूरोप और रूस जैसे देशों में शतरंज का खेल 9वीं शताब्दी में पहुंच चुका था। इसके बाद लगातार शतरंज के खेल का प्रसार होता गया और लगभग सभी देशों में शतरंज के खेलों को अपना लिया। शतरंज के खेलों को अलग अलग देशों में कई नामों से जाना जाता है। पुर्तगाल में से जादरेज का नाम दिया जाता है, वहीं स्पेन में शतरंज को एजेड रेज कहा जाता है। साथ ही क्रमिक परिवर्तन के साथ इसमें बदलाव भी खूब हुए। एक समय था जब शतरंज में राजा को भी मारा जा सकता था, लेकिन आज के शतरंज में असंभव है। क्वीन का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। आज शतरंज में अगर रानी मर जाए तो लगता है कि सबसे शक्तिशाली मोहरा पीट गया, लेकिन प्राचीन समय रानी सिर्फ एक आड़ा खाना चलती थी, इसलिए बिसात पर सबसे कमजोर मोहरा थी। लगभग 500 वर्ष पहले ही इसे अपनी मौजूदा ताकत मिली। रूख यानी हाथी और घोड़े सदियों से ऐसे ही रहे हैं। रूख फारसी के शब्द से बना है और इसे हाथी भी कहते हैं। बहरहाल आज शतरंज दुनिया भर में खेला जा रहा है और इसके अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट लाखों लोगों को उत्सुकता में रखते हैं। शतरंज से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी जो लोग बताते हैं, उनके अनुसार शतरंज के एक खेल में अधिकतम 5,949 चालें हो सकती हैं। इंग्लैंड के एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 1991 में एक कंप्यूटर बनाया जिसे शतरंज खेल सकते थे। विश्वनाथन आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और विभिन्न प्रकार से सम्मान से नवाजा गया है। गैरी कास्पारोव सिर्फ 22 साल की उम्र में शतरंज के विश्व चैंपियन बन गए थे। ये है शतरंज, लेकिन शतरंज का उपयोग आप जानते हैं कि राजनीति में आजकल ज्यादा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति खेल फिल्म उद्योग विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है, यहाँ है लल्लूराम.com। सच कहेंगे लल्लूराम।